हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह हो गई है और इधर देखिए मैं नहा धो के साड़ी पहन ली हूँ। ससुराल में आई हूँ तो सोच रही हूँ जितने दिन हूँ कम कम साड़ी पहन लूँ, और मैंने कुछ शॉपिंग नहीं किया है। और इधर मम्मी बाहर अपना सामान दुकान का दे रही हैं, आवाज़ भी आ रहा है। और मैं आ जाता अभी नहा के आई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लाइट भी नहीं है और पंखा तो कैसे हवा लगेगा। और गांव में सबसे ज़्यादा ये दिक्कत होती है। और सारे कपड़े कल के धुले हुए हैं, मैं सोच रही थी कि सारे कपड़े फोल्ड कर लूँ, फिर लाइट नहीं, मैं इधर उतार के रख दी हूँ, लाइट आएगा तो फोल्ड करूँगी। इतना पसीना है, तब तक चलूँ मैं किचन में खाना पीना की तैयारी करूँ। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं बाल धुली हूँ, बाल अभी सूखा नहीं है तो खोल के रखी हूँ। आप लोग कमेंट मत करिएगा कि बाल खुला हुआ है, ये किचन में। तो अभी जा रही हूँ खाने पीने की तैयारी करने, खाना में क्या बनाऊँगी ये आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। गर्मी का सीज़न है, सादा सादा खाना अच्छा लगता है। तो किचन में जाने से पहले पीढ़ा मैं उधर रखी थी, तो जा रही थी पीढ़ा लेने। बगैर पीढ़ा का काम नहीं होता है, क्योंकि किचन खड़े होकर खाना बनाने का आदत है तो बैठ के खाना बनाने का बनता नहीं है मुझसे। तो इधर मैं किचन जहाँ खाना बनाती हूँ तो समझ लो किचन है, और खाना बनाने में आ गई हूँ। जा रही हूँ लौकी छील के मम्मी रख दी हैं, उसको जा रही हूँ मैं काटने, और काट के फिर उसके बाद लौकी का सब्जी बनाऊँगी, दाल चावल रोटी, यही सुबह का खाना होता है। और कैसे बनता है और किस किस को लौकी का सब्जी पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गर्मी में सादा खाना ही अच्छा लगता है, और मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगता है। मैं खुद हैवी खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी बीच आरओ भी आ गया है, तो मैं सोच रहा है कि इधर देखिए मम्मी सब्जी उब्जी काट रही हैं, और इस सब्जी को मैं बनाऊंगी। मम्मी बोली हैं कि कुकर में बनाने के लिए, तो कुकर मैं पहले से रख दी हूँ, सब्जी काट रही हूँ, लेकिन गैस नहीं ऑन की हूँ, धुल के रख दी हूँ। कितना भी बर्तन धुल के रखा रहता है, जब भी मैं यूज करती हूँ तो उसको धुल के ही यूज करती हूँ, ऐसा नहीं है कि धुल के रख दूँ फिर उसको। ठंडी का बेटा आज आरोप में बोले मन नहाओ, ये ठंडी का सीजन है। अच्छा, तब तक आप ब्लॉग में जरूर दीजिएगा। अच्छा देखिए मम्मी सलाद काटने जा रही है, किसके लिए काट रही हो? आपके लिए। खाना मेरे लिए? अभी मैं नहीं खाऊंगा। खाना बन गया है और मैं जा रही हूँ सलाद काटने। आरो आरो के दादाजी को मतलब बाहू खाना निकालने, उसके पहले सलाद काट लेती हूँ। अभी जानते हैं बहन कितने बज रहे हैं? पौने 11 ही बज रहे हैं। गाँव में लोग सब लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। जब तक आप ब्लॉग में जरूर रहिएगा। हाँ मम्मी, अरे खीरा काट कर आपसे मिलती है ना मम्मी। सो गाइस इधर देखिए खाना बन गया है, खाना भी निकाल मैं को यहाँ निकाल दी मम्मी। आज तो रोटी दाल इसके लिए नहीं दी हूँ, क्योंकि दाल बहुत गर्म है और बच्चे हैं उनको दे दी हूँ ऐसे ही। और उधर पापा को खाना निकाल दी हूँ, जब खा रहे हैं तब से मैं सोची कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, और टीवी देखते 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 आरो जब से आया है तब से टीवी ही देख। आप भी देख, ये कौन देख रहा है? मैं नहीं देख रही। आप देख रही है झूठी? क्या दे रहे पलकों की छांव में? गर्मी का दिन है, लाइट नहीं है, क्यों टीवी बंद करो, स्विच बंद करो। तो गर्मी दिन है, ऊपर का रूम है, रूम में हमारे बहुत गर्मी रहती है। ठंडी के समय में बहुत ठंडी रहती है और गर्मी के समय में बहुत गर्मी रहती है। अब साड़ी पहनी हूँ, बहुत उलझन हो रही है, ये हो रहा है कि निकाल के फेंक दूँ, चाबी क्या करोगी, मत कहीं जाना मत। ऊपर बहुत बहुत आज सुबह गई थी साड़ी निकालने ना अपने आलमीरा में से, तो बहुत रूम में बहुत धूल थे। और बाहर से क्या है कि हमारे रूम में दो दो दरवाज़ा है, तो उसमें काजू पीन लगा हुआ है, कौन निकालेगा देखती हूँ। खोलूँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर ठंडी में तो आना है, ठंडी में ज़रूर साफ़ सफाई होगी। तो गाइस इस गर्मी और साड़ी एकदम दिल तोड़ दे रहा है। आरो से सही बता रही हूँ, उलझन हो रही है। पहले का ऐसा ब्लाउज अपने हाथ से सिली हूँ, सोच रही हूँ खुद ढीला कर लूँ, पहले से शरीर मेरा बढ़ गया है, मोटी हो गई हूँ ना आरो। हाँ, अब मम्मी भी दुकान में, मम्मी पापा सब दुकान में लेटे हुए हैं दोपहर में। मैं जब भी आती हूँ पीछे वाले रूम ठंडा रहता है, इसी रूम में रहती हूँ,
होम टूर भी दिखाऊंगी। मेरा पहले चैनल था उस पर होम टूर कराई थी आप सबको, वो तो चैनल डिलीट हो गया। इस पर भी मैं सोच रही हूँ कि होम टूर करा दूँ, लेकिन होम टूर कराने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्लॉग शूट होना चाहिए, और आर्यन है नहीं तो कैसे ब्लॉग शूट होगा। A few moments later. देखिएगा सासू माँ पानी ले गया, कड़े मानीपुर इलाहाबाद के आगे है। जब तुम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग गए थे ना इलाहाबाद, और इधर शाम का समय हो गया है। गांव में सबसे ज्यादा शाम को पानी पूरी सब खाते हैं। देखिए कल रात को सब लोग खाए थे, लेकिन आज तो काफी दिन है। देख सकते हैं दुकान के पीछे वाले रूम में मैं मम्मी लेके बैठी, बोल रही चलो पानी पूरी लेके आई हूँ, चलो खा लो। इधर से ओडा लेके आई है और इधर बैठ रहे हैं। मम्मी इधर पानी भर रही हैं अपना, बाहर से पानी नल है लेकिन बाहर लगा हुआ है, जस्ट मतलब दुकान के जस्ट बगल में बाहर। तो गाइस खुद का है, हाँ अपना ही है। घर में गड़ रहा था तो घर में नहीं गड़ा तो बाहर गड़ गया है, तो वो नाश्ता पानी है। आज मम्मी अपने हाथ से खींचेगा पानी पूरी हमें सूखे, वही किया भाई, वही किया ही कब का। चला मम्मी का दिन हमें किया, चला हमें जाती किया। जाओ प्लेट लेके आओ बेटा, इसका पानी अच्छा रहता है, ये पानी अच्छा रहता है कि नहीं। अब ले अपने मम्मी अपने देवरे से पानी ले ली। चल रहे पानी पूरी खा के फिर। तो गाइस पानी पूरी खा के दुकान से मैं आ गई। इधर पीछे वाले रूम में लाइट आ गया है, और शाम के समय लाइट रहता है, दोपहर में थोड़ा कट जाता है काफी समय के लिए, बहुत गर्मी लगती है। और जैसा कि मैं आप लोग को बोली कि अभी आ रहा हूँ हम लोग के साथ, नाश्ता कर रहा था चक्की पर से, मतलब जहाँ मेरे ससुर छः भाई हैं तो वहाँ, और कुछ दूर पे रहते हैं। तो जाऊँगी तो आप लोग को जरूर दिखाऊँगी, और नहीं गई तो कोई बात नहीं। और आए थे देवर आए थे तो आरो को लेके गए हैं, वहाँ पे बोले चलो, आरो चला गया। मैं मना करी थी, मैं बोली अभी मत जाओ, चलो मैं चलूँगी तो लेके चलूँगी, तो नहीं गया। और शाम का समय हो गया है, बच्चा आरो रहता है, थोड़ा सा हलचल घर में मचा रहता है। और मम्मी पापा अभी दुकान में हैं, पापा गए थे सूर्यावा आ गए हैं, बैठ के बात कर रहे थे तो मैं चली आई पीछे, और पीछे वाले रूम में आ गई हूँ अकेले, केवल हम सास बहू घर में रहते हैं। मम्मी थोड़ा दुकान में बिजी रहती हैं तो पीछे नहीं आ पाती हैं, दुकान है उनको देखना रहता है। मैं अकेले घर में रहती हूँ। आप लोग सोचते हैं पूनम दी मुंबई में रहती हैं, मुंबई में अकेले अपना वीडियो शूट करती हैं। सोचते हैं हमारा काम है तो हम अपने ब्लॉग में अपने को ज़्यादा दिखाएं। देख लीजिए मेरी सास रहती हैं, ससुर रहते हैं, इस समय प्रेजेंट मैं हूँ, और आरव है, आर्यन भी मुंबई है। और आप बोलते हैं कि आपके देवर देवरानी घर में नहीं दिखाई देते हैं, तो आप लोग को बता देती हूँ कि मेरे देवर देवरानी जहाँ मैं रहती हूँ वहीं रहते हैं, उनके सब लोग मुंबई ही रहते हैं, तो काम धाम सबका वहीं है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। तो गाइस इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और सुबह हो सकेगा तो मैं आप लोग को अपना बेडरूम दिखाऊंगी, पहले साफ़ सफाई करूंगी तब दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।